शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राशि यादव की संपत्ति का खुलासा राज्यसभा जाने से पहले ही हो गया है। आपको बता दें, संपत्ति के ताजा विवरण के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक उनके पास 1,64,00,000 से ज्यादा रुपए हैं। उसके बाद बिहार सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों की संपत्ति के विवरण के अनुसार कई मंत्री तो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा अमीर हैं। बात करें तेजस्वी, उनकी पत्नी राष्ट्रीय यादव और तेज प्रताप के पास कितना धन है, तो खुलासे के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव के पास 50,000 रुपए नगद है, जबकि उनकी पत्नी राष्ट्रीय के पास 1,00,000 रुपए से ज्यादा नगद है। तेजस्वी यादव के पास 200 ग्राम सोने की ज्वेलरी है, जिसका बाजार का मूल्य 9,53,000 रुपए है, जबकि पत्नी राष्ट्रीय के पास 480 ग्राम सोने की ज्वेलरी है, जिसका मूल्य 22,57,000 रुपए के करीब है। इसके अलावा 2 किलो चांदी भी है, जिसका मूल्य 1,00,000 है। वहीं तेजस्वी यादव के पास खेती योग्य भूमि फुलवरी शरीफ की पलंगा मौजा में 2 बीघा जमीन भी है। वहीं गोपालगंज के फुलवरिया में 19 डेसिमल के अलावा 10 कट्ठा 17 धूर भी है। जी हाँ, इतनी संपत्ति है लालू यादव के बेटे और बहू के पास। बात करें लालू यादव की, तो वो जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन उसके बाद ईडी का शिकंजा उन पर फिर से कसते हुए नजर आ रहा है, वो भी जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में। उसके तहत उनसे पूछताछ भी की गई थी। वहीं तेजस्वी यादव का नाम भी सामने आया था। कहा जा रहा था कि 8 साल की उम्र में तेजस्वी यादव के नाम करोड़ों की संपत्ति कैसे हो सकती है। आपको बता दें, इस मामले में अभी तक जांच चल रही है। ऐसे में ईडी तेजस्वी यादव राष्ट्रीय यादव पर अगर शिकंजा कसती है या नहीं कसती, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।